हेलो बैरागी कहाँ है? सुन, तू बाहर बैरागी के बारे में पता कर रहा था ना, इसीलिए भाई ने तुझे बुलाया है। बैरागी किधर है? बैरागी किधर है? ऐसा पब्लिक में पूछता हुआ फिर रहा है? अब बता। ऐसा क्यों? अरे भाई, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? बैरागी ही प्रॉब्लम है। उसने मेरे बाप को मारा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके खून से पिता के फोटो पे तिलक लगाऊंगा। उसके कुर्सी पे कब्जे का इंतजार तुम्हें 15 सालों से कर रहा हूँ। वाह, क्या मकसद पाला है? तेरी वजह से हमें खतरा है। तू अपनी इंक्वायरी बंद कर दे पूरी तरह से। मैं उसका नाम लेकर इंक्वायरी करता हूँ तो प्रॉब्लम है? तो फिर मैं उसकी फोटो लेकर इंक्वायरी करता हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फोटो क्या रे? बैरागी कैसा दिखता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी फोटो मेरे पास है। उसके फोटो के जरिए इंक्वायरी करके उसे ढूंढता हूँ। उसे खत्म करते वक्त तुझे बुला लूंगा। पूरी फिल्म लाइव देखना, थोड़ा कॉपरेट करना। फोटो दिखा, तलाशी ले। ये फोटो बिल्कुल उसी की है, जाके ठोक डालो उसे, ठीक है? ओरिजिनल फोटो दिखा। अगर मुझे टपका दिया तो तुझे बैरागी से कौन मिलाएगा? हम दोनों का दुश्मन एक ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्लीज यार, फोटो दिखाना। फोटो दिखाऊं तो मुझसे पहले उसे टपकाएगा। उसे मारने वाला कोई भी हो, उसके मरने के बाद कुर्सी मेरी होगी। तुझे बदला लेना है तो तू ले उससे, लेकिन याद रखना, तू अकेले नहीं मार पाएगा बिना मेरी मदद के। आज से हम दोस्त हुए। जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी ऊपर वाला करता है। चल साथ में ढूंढते उसे। अरे बच गया बेटा। उसके सामने आपका सर झुकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। hey, वैरागी के मिलने तक इसकी जरूरत है, बस वो मिल जाए, उसके साथ साथ इसे भी काट डालूंगा। मेबी इसे देख के तुम्हें क्या समझ में आया? यही कि आपको मच्छरदानी की जरूरत नहीं है मास्टर। इसका शॉर्टकट लॉक कट नहीं समझ में आया, इसको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट गियर में डालना होगा। अच्छा, ये तुम्हें तलवार लग रही है क्या? नहीं, ये है हमारी खानदानी अगरबत्ती। पुराने जमाने में चाइना के लोग डेंगू की डर से घर के अंदर जाके छुप जाया करते थे। हमारे दादाजी तलवार लेकर लाखों मच्छरों का सर काट कर 40 लोगों की जान बचाई थी। एक छोटा सा मच्छर उनकी यहाँ गर्दन पे बैठ गया, और जब वो उस मच्छर की गर्दन काटने गए तो दादाजी ने अपनी गर्दन काट ली। उसके बाद दादा, मच्छर और डेंगू तीनों हो गए ऑल आउट। अभी से मच्छरों को मारने वाली कंपनी हमारी फैन हो गई बेबी। इसलिए ये मर्म कला बहुत खतरनाक है, और मच्छरों को मारने वाली धर्म कला है। अभी मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तलवार को इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ना चाहिए, इस तरह से निकालना चाहिए, पोजीशन को सेट करके उसे इस तरह से सही जगह रखना चाहिए। दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए, धक्का देके नहीं। क्या कर रहे बदमाश? मम्मी नहीं 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 मम्मी। मास्टर, पेट पे सॉस की थैली क्यों बांधी है? बीच में खाते रहते हैं क्या? अरे बेवकूफ, ये पेट से नहीं, मेरे पॉकेट से निकला है। ये बता, तू यहाँ आया क्यों है? बता ना। रूल नंबर 64 में क्या है? पूरे दिन में शाम के वक्त आपको 4 बादाम खानी है। ये लीजिए, खा लीजिए। इसमें तो 4 बादाम होने चाहिए थे, वो कहाँ है? रूल के नीचे ब्रैकेट में क्वालिटी बादाम देना है ऐसा लिखा हुआ है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने खा लिया। अरे फिर तुम्हें दूसरे 4 लाने चाहिए थे ना? है रूल के हिसाब से सिर्फ 4 ही देना है, आप कल खा लेना। क्यों भाई, क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? मैं जाग में तुम क्या मेरे जीवन के साथ खेलने आए हो? एक क्लास फिगर। मास्टर, इसने मुझे आंख मारी। मास्टर, क्यों रे तूने इसको आंख क्यों मारी है? ए, मुझे आंख मारने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ। इज्जतदार परिवार? और तुम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो? रूल नंबर 64 के हिसाब से अगर कोई 9 फीट के फासले पर आपके करीब आता है तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना। तो जब एक आंख बंद करके देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे आंख मारी हो।